खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू कस्बे में ज्वाला कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल पर अयोध्या की टीम ने लखनऊ की टीम को 48 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं आज के मुख्य अतिथि के रूप में बांदा चित्रकूट मंडल के डीआईजी व कमिश्नर पहुंचे और मैच की शुरुआत करवाई। मामला बबेरू कस्बे के जेपी शर्मा इंटर कॉलेज ग्राउंड का है, जहां दूसरे सेमीफाइनल पर मुख्य अतिथि के रूप में बांदा चित्रकूट मंडल के डीआईजी विपिन मिश्रा एवं कमिश्नर आरपी सिंह ने पहुंचकर खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर मैच की शुरुआत करवाई। आज दूसरा सेमीफाइनल मैच कमाक्षी क्रिकेट क्लब लखनऊ बनाम श्रीराम क्रिकेट क्लब अयोध्या के बीच खेला गया, जिसमें अयोध्या की टीम के कैप्टन विजय यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही 20 ओवर के खेल पर 7 विकेट खोकर 191 रन बनाया, जिसमें नितिन 59 रन, विपिन 37 रन, पीयूष 22 रन का योगदान दिया। वही लखनऊ की टीम ने 191 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिर्फ 17.3 ओवर पर 143 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें अभय निगम 25 रन, विनायक सिंह 58 रन, ऋतुराज 15 रन का योगदान दिया, जिसमें अयोध्या की टीम ने 48 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया है, जिसमें अयोध्या के तेज गेंदबाज प्रशांत 4 विकेट, विजय यादव 3 विकेट, अमर व मुनिंद्र ने एक एक विकेट हासिल किया। वहीं मैन ऑफ द मैच अयोध्या की टीम के कैप्टन विजय यादव को राखी व 2100 का चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं कल फाइनल मैच गोरखपुर बनाम अयोध्या के बीच सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। हजारों की संख्या पर दर्शकों ने आज सेमीफाइनल के दूसरे मैच का भरपूर आनंद लिया। आपका सेमीफाइनल मैच था, आप जीते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेल के। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विजू भैया का कि उन्होंने हमें मौका दिया खेलने के लिए, यहाँ पर काफ़ी दूर से बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद विजू भैया को। और बहुत ही अच्छा लग रहा है खेल के। ऑब्वियस ही बात है, किसी की टीम जीती तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा खेला और विजू भैया का बहुत सपोर्ट रहा हम लोग को, कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी, आराम से हम लोग आए गए, रहना खाना पीना सब बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा विजू की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विजू भैया को। आज आपने दूसरा सेमीफाइनल खेला, किस प्रकार की चुनौती लगी आपको? चुनौती तो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि अगेंस्ट टीम भी बहुत अच्छी थी और मैच बराबर ही चल रहा था, 13-14 ओवर तक मैच बराबर चल रहा था, बट उसके बाद जब उनके विकेट गिरे तो उसके बाद हमने थोड़ा मैच में ऊपर आ गए। कल आपका फाइनल है, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा खेलने का, जैसा आज खेल दिखाया दर्शकों को, कोशिश करेंगे कल भी ऐसे ही खेलें। ये पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है, उसमें कमिश्नर सर और मैं उद्घाटन के अवसर पर आए थे, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और टीम को अपनी शुभकामनाएं हम लोगों ने दी है। जो भी विजेता और उपविजेता टीम रहेगी जो है, वो अच्छा खेलें, बस खेल भावना का प्रदर्शन करें, हमारी ओर से शुभकामनाएं।